फ्रेंड, आज है विसर्जन का दिन और हम लोग निकल चले हैं विसर्जन देखने के लिए कोलकाता का कैसा होता है। तो चलिए आपको भी इस वीडियो में दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते एक लाइन से पूरी दुर्गा माँ खड़ी है और धीरे धीरे सब विसर्जन होगा। तो चलते हैं विसर्जन घाट पे भी। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपके साथ हम भी देखेंगे कैसा होता है कोलकाता का विसर्जन। इधर देखो दोनों, प्रतिमा एक लाइन से खड़ी थी और रास्ते में लोगों की हुजूम लगी हुई थी। विसर्जन स्थल तक ये पूरा सिलसिला चलता रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया विसर्जन के दिन भी, क्योंकि यहाँ पे ढोल ताशे के साथ माता को यहाँ से ले जाया जा रहा था और काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल भी बना हुआ था। तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कोलकाता का विसर्जन काफ़ी शांतिपूर्वक होता है यहाँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे अभी हम लोग विसर्जन स्थल के बहुत ही करीब आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूर पे ही गंगा घाट है और यहाँ पे सारी मूर्तियों का विसर्जन होगा। तो चलिए चैनल के साथ बने रहे और काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल है। ये ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत ही दुरुस्त है, ट्रैफिक को भी नुकसान नहीं हो और अपना काफिला भी चलता रहे, इस तरह का यहाँ पे कोलकाता पुलिस व्यवस्था की गई है। तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं विसर्जन स्थल पर क्या करें। लड़का
बैठने दो इसको साई। तो फ्रेंड अभी हम लोग घर से पैदल निकल गए थे साई को टहलाने के लिए, और लक्ष्मी पूजा है तो यहाँ पे अपना गंगा घाट है, तो इधर ही सब पूरा मूर्ति एक साथ जा रहा है। तो हम लोग देखते देखते गंगा घाट के पास पहुँच गए, थोड़ी दूर जो क्रॉस करेगा रोड वहाँ पे गंगा घाट है। आज दसवीं पूजा और कल 11 पूजा है, 11 पूजा को भी विसर्जन होता है, तो हम लोग 11 पूजा को भी आपको दिखाएंगे कि कैसा विसर्जन होता है। और हमारे घर के पास जो बैठा है वो भी 11 पूजा को विसर्जन होने वाला है, तो हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसा विसर्जन होता है। ये सारा मूर्ति एक लाइन से जा रहा है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो रहा है, देख सकते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आयान को भी मज़ा आ रहा है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड अब वो समय आ गया जब माता का विसर्जन हम करने वाले हैं, और काफ़ी बुरा भी लग रहा है, और देख सकते हैं यहाँ कोलकाता में कितनी धूमधाम से माता का विसर्जन होता है, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, आप फैमिली भी लेकर के आ सकते हैं इस जगह पे। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 दिनों तक विसर्जन होते रहता है, तो हमने 2 दिन जा कर के सुबह का और रात का वीडियो शूट किया, और काफ़ी अच्छा लगा देख करके। हमें मालूम नहीं कि कौन कौन सा घाट है यहाँ पर हम जा करके जो भी देखा। तो कोलकाता में यहाँ के भक्तों में श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं थी भगवान के लिए, काफ़ी अच्छा लगा, शांतिपूर्वक यहाँ पे विसर्जन होता है ये भी देख के अच्छा लगा, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो फ्रेंड 2023 में कोलकाता का ये विसर्जन यहाँ पे समाप्त होता है, और काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा विसर्जन होता है, तो आप ज़रूर देखने के लिए आइए, और बिल्कुल शांतिपूर्वक होता है विसर्जन, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे यहाँ तक तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।